Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास Realme का 11 Pro है तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस फोन के टॉप 10 मोस्ट यूजफुल फीचर्स है जिनके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए अगर Realme का 11 Pro आप यूज कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करेंगे और जानेंगे इस फोन के टॉप 10 मोस्ट यूजफुल फीचर्स के बारे में। आप इस फोन की स्क्रीन पर दो एप्स को एक साथ यूज कर सकते हो, मतलब स्प्लिट स्क्रीन का यूज कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हैं एक ऐप के साथ आप दो एप्स को एक साथ यूज करना तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। इसके लिए पहले किसी भी एक ऐप्स को ओपन कर लीजिए, जैसे कि यूट्यूब के साथ किसी और ऐप्स को भी आप यूज करना चाहते हो तो पहले किसी एक ऐप्स को यूज करना है इस तरह से और थ्री फिंगर लेना है और आप कर देना है, आपका ये स्प्लिट स्क्रीन के अंदर ऑन हो जाता है। अब नीचे की ओर किस ऐप्स का आप यूज करना चाहते हैं वो ऐप्स आप नीचे की साइड ओपन करा सकते हैं कुछ इस तरह से, तो दो ऐप्स एक साथ यूज हो जाते हैं। आप चाहें तो ऊपर वाले को नीचे कर सकते हैं, नीचे वाले को ऊपर भी कर सकते हैं। इसके लिए आप थ्री लाइन देखने को मिलेंगे, मतलब थ्री डॉट देखने को मिलेंगे, इन पर क्लिक करके आपको इस तरह से क्लिक कर देना है तो आपका ये स्विच भी हो जाता है। अगर आप चाहते हो किसी एक ऐप्स को ज्यादा एरिया में यूज करना तो यहीं पर क्लिक करके आप किसी एक ऐप्स को ज्यादा एरिया में भी ला सकते हो। इस फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए टू फिंगर से पिंच इन कीजिए, साइड करने पे मोर का ऑप्शन दिखेगा यहाँ क्लिक कीजिए एंड आपको देखने को मिलेगा डबल टैप टू लॉक, इस फीचर को ऑन कर लेना है। अब आप स्क्रीन को लॉक करने के लिए डबल टैप कर दीजिए, आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके ऑन भी कर सकते हो। इसके लिए स्क्रीन पर आपको फिर से ही टैप एंड होल्ड करना है और साइड करके देखने को मिलेगा मोर, इस पर क्लिक करना है एंड आपको यहां से स्क्रॉल डाउन करना होगा, यहां देखने को मिलेगा डबल टैप टू बैक और टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको ऑन कर लीजिए। अब आप डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। इस फोन में आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। किसी भी एप्स को फ्लोटिंग विंडो में लाने के लिए रीसेंट बटन को प्रेस कीजिए, एप्स आपका ओपन होना चाहिए, यहाँ आपको देखने को मिलेंगे थ्री डॉट, इन पर क्लिक करके आपको देखने को मिल जाता है फ्लोटिंग विंडो, इस पर क्लिक कर लीजिए, आपका ये कुछ इस तरह से ऐप ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आप इसको और भी यहाँ पे बड़ा कर सकते हो, अगर स्मॉल करना है तो फिर से ही इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका ये स्मॉल भी हो जाता है और चाहे तो इसको आप पॉपअप में डाल सकते हो, इसके लिए आपको यहाँ इस तरह से क्लिक करना होगा, ये पॉपअप में साइड में आ जाता है। अब किसी भी एप्स को आप यूज कर सकते हैं, इसको ओपन करा सकते हैं कहीं पर भी तो ये ओपन भी कहीं पर भी हो जाता है, मतलब दो एप्स को भी यहाँ पे इस तरह से भी आप ला सकते हो, पॉपअप में आ जाएगा एक आपका और एक यहाँ पे बैकग्राउंड में जो भी यूज कर रहे हैं वो भी चल जाता है। इसके अलावा आप इसको क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ साइड में क्लिक कर देंगे क्लोज हो जाएगा, अगर इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में आ जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट इस फोन में आपको मिल जाता है। इस फोन में फ्रेंड्स आपको राइज टू बैक का फीचर मिल जाता है, जैसे ही आप फोन को पिकअप करेंगे वैसे ऑटोमेटिकली फोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको स्पेशल फीचर पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना होगा, यहाँ देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, इस पर क्लिक कीजिए एंड आपको राइज टू बैक यहाँ देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपका स्क्रीन ऑफ होगा, फोन इस तरह से टेबल पर होगा तो आप जैसे फोन को पिकअप करेंगे फोन की स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। इस फोन में जो आपको थ्री बटन नेविगेशन देखने को मिलते हैं इन्हें हाइड करके इस फोन में जेस्चर नेविगेशन का यूज कर सकते हैं और उन जेस्चर की मदद से कुछ ऐप्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि किसी ऐप्स के अंदर आपको जाना हो तो बहुत आसानी से स्विच कर पाएंगे तो वो भी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले फोन की सेटिंग में जाना है, यहाँ पे आने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पे देखने को मिलेगा सिस्टम नेविगेशन, यहाँ क्लिक करना है एंड आपको जेस्चर नेविगेशन सेट कर लेनी है। अब आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन इस तरह से देखने को मिलेंगे, यहाँ एक लाइन देखने को मिलती है इसको भी आप हाइड कर सकते हैं, क्लिक करने के बाद आप लाइन हाइड हो जाएगी और यहाँ पे आपको स्विच टू प्रीव्यू एप्स के लिए ऑन कर लेना है। अब किसी एक एप्स के अंदर है और उससे पहले जिस एप्स का आप यूज कर रहे थे उसमें जाने के लिए कुछ इस तरह से आपको क्लिक करना रहता है, तो एक एप्स के अंदर से आप दूसरे एप्स के अंदर इस तरह से स्विच कर सकते हैं, तो काफी अच्छा फीचर यहाँ पे जेस्चर की मदद से मिल जाता है, तो वापस आने के लिए इस तरह से क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप इस तरह से इसका यूज कर पाएंगे। ये काफी अच्छा फीचर रहता है जेस्चर का, जिसका आप जरूर से यूज कर सकते हैं इस फोन के अंदर। इस फोन में आपको वन हैंडेड मोड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जैसे कि किसी भी एप्स को आप वन हैंडेड मोड पे लाना चाहते हो तो जैसे नेविगेशन सेट होना चाहिए, इस तरह से क्लिक करके आप किसी भी एप्स को वन हैंडेड मोड पे ला सकते हो। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे फोन आपका वन हैंड मोड पे आ गया है, यहाँ से बहुत छोटी स्क्रीन पर आप इस फोन को यूज कर सकते हो। इसको फुल स्क्रीन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके आप फुल स्क्रीन में ला सकते हैं और इसका ऑन करने के लिए आपको पहले फोन की सेटिंग में जाना होगा, यहाँ आने के बाद एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कीजिए एंड आपको वन हैंडेड मोड देखने को मिलेगा, यहाँ आके आपको ये ऑन कर लेना है। अब आप इस फोन को वन हैंडेड पे लाने के लिए इस तरह से क्लिक करेंगे, आपको फोन वन मोड पे आ जाता है। इस फोन के अंदर आप एप्स को लॉक स्क्रीन पे काफी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि आपकी लॉक स्क्रीन होगी तो वहां पे आप वी स्वाइप करने फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हैं, वो बनाएंगे आपका कैमरा एप्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे कुछ एप्स को भी आप ऐड कर सकते हो। इन सबको ऐड करने के लिए सबसे पहले फोन की सेटिंग में चले जाइए, यहाँ आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, जिसके बाद आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना होगा एंड आपको जेस्चर एंड मोशन यहाँ देखने को मिल जाता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ड्रॉ टू ओपन कैमरा, इस फीचर को ऑन करने के बाद आप गॉट इट पर क्लिक कर लीजिए। अब लॉक स्क्रीन होने पर जैसे आप ओ टाइप करेंगे आपका कैमरा एप्स ओपन हो जाएगा, तो डायरेक्टली कैमरे को ओपन करना चाहते हैं वो स्वाइप कर लीजिए, आपका कैमरा एप्स ओपन हो जाता है। यहीं पर आप चाहे तो वी स्वाइप करके फ्लैश लाइट को भी ऑन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इस फीचर को ऑन कर लीजिए एंड गॉट इट पर क्लिक कीजिए। अब लॉक स्क्रीन होगी, वी स्वाइप कर
मान लीजिए आपका फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। इस तरह से आप जिस भी एप्स को लगाना चाहें तो आप अपने हिसाब से एप्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको म्यूजिक कंट्रोल का भी ऑप्शन इसी फोन में देखने को मिल जाएगा, जो कि लॉक स्क्रीन पर ही आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए आप इस फीचर को यहाँ से ऑन कीजिए एंड गॉट इट पर क्लिक कीजिए। अब गाने को प्ले करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से आपको डाउन करना होगा, गाने प्ले हो जाएगा। और गाने को नेक्स्ट भी कर सकते हैं इस तरह से क्लिक करने के बाद, और गाने को प्रीव्यू करना है तो इस तरह से क्लिक करके गाने को प्रीव्यू भी कर सकते हो। एंड गॉट इट पर क्लिक करके आपको अपने हिसाब से कोई जेस्चर वगैरह सेट करना है तो यहाँ आपको मोर में देखने को मिलेंगे कई अलग अलग से। जैसे कि ए स्वाइप करने पे आप क्या रखना चाहते हो उसके लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं स्क्रीन। किसी को कॉल लगाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन रहेगा। अगर किसी फेवरेट एप्स को वगैरह को आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और उस एप्स को सेलेक्ट कीजिए जो भी आप एप्स को ओपन कराना चाहते हो। जैसे मैंने क्रोम को सेलेक्ट किया है और यहाँ से इसको हम ऑन कर लेंगे। अब लॉक स्क्रीन होने पर जैसे ए स्वाइप किया जाएगा डायरेक्टली क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाता है। तो इस तरह से जिस भी एप्स को आप रखना चाहते हो यहाँ पे अपने हिसाब से रख लीजिए। काफी फीचर मिलेंगे जैसे कि अप डाउन लेफ्ट राइट एम और डब्ल्यू अलग अलग फीचर मिल जाते हैं, सभी को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके रख सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको स्मार्ट कॉल के भी फीचर देखने को मिल जाते हैं जिनको आप एडिट करके अपने फोन के अंदर यूज कर सकते हो। जैसे कि आप विदाउट फोन को टच किए अपनी कॉल को आंसर करा सकते हो और यहाँ पे फोन को फ्लिप करके म्यूट करा सकते हो। तो ये सब सेटिंग अपने हिसाब से आप कस्टमाइज करके रख सकते हैं। उसके लिए फोन की सेटिंग में जाकर स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग। इस पर क्लिक करके आपको जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राइज टू एयर टू आंसर कॉल का, इस फीचर को ऑन कर लीजिए। अब आपके फोन पर कोई भी कॉल्स वगैरह आता है उसको आंसर करने के लिए स्क्रीन टच करने की जरूरत नहीं रहेगी। सिंपल करना क्या है, आपके फोन पर कोई भी कॉल्स वगैरह आता है डायरेक्ट रिंग होते हुए फोन कान की ओर ले जाइए, ऑटोमेटिकली कॉल आपकी आंसर हो जाएगी। इसी तरीके से ऑटो स्विच टू ईयर रिसीव का फीचर मिलेगा। इसको ऑन करने के बाद आपके फोन अगर हैंड फ्री पर होता है और जैसे हैंड फ्री फोन अपने कान से आप हटाएंगे मतलब आपके कान की ओर ले जाएंगे अपने फोन, तो ऑटोमेटिकली आपके कान वाले स्पीकर में आवाज आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से ऑटो स्विच टू ईयर रिसीव का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स का फीचर मिलता है, इसको ऑन करने के बाद अगर आपके फोन पे कोई भी कॉल पर आप उसको म्यूट करना चाहते हो तो फोन को फ्लिप कर दीजिए, आपकी कॉल म्यूट हो जाएगी। इस तरह से आप इसका भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस फोन में आपको स्मार्ट स्लाइड बार देखने को मिलता है जिसमें आप अपने एप्स को कुछ रख सकते हो और अपने फेवरेट एप्स को भी ऐड कर सकते हो जो कि आपके फ्लोटिंग विंडो में ऑन होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे फोटो को ओपन करेंगे तो फ्लोटिंग विंडो में डायरेक्ट ओपन हो जाता है। जैसे कि आप चाहते हो कहीं भी काम कर रहे हैं और किसी का आपका ऐप वगैरह है जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह, आपको उसका रिप्लाई वगैरह करना है तो यहाँ पे आप उसको रख सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पे एक्सेस उसको भी कर सकते हो। तो जो भी आपको रखना है उस सेट करने के लिए स्मार्ट स्लाइड बार को ऑन करने के लिए सबसे पहले तो फोन की सेटिंग में जाना होगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको स्पेशल फंक्शन पर क्लिक करना है, स्मार्ट स्लाइड बार आप यहाँ से आके ऑन कर लीजिए। अब यहाँ पे स्मार्ट स्लाइड बार को आप एडिट भी कर सकते हो, इसके लिए आप यहाँ एडिट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। किसी भी एप्स को यहाँ से तो आप अपने हिसाब से रिमूव कर सकते हैं और किसी एप्स को भी आप चाहें तो इधर ऐड भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो कि अपने फेवरेट एप्स वगैरह को आप यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो। तो जिस ऐप का ज्यादा यूज रहता है वो सिंपल यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए, वो आप डायरेक्टली कहीं पे भी एक्सेस उसको कर पाओगे। तो ये काफी अच्छा फीचर इस फोन में मिल जाता है। इस फोन में आपको ऐप पिनिंग का फीचर मिल जाता है जिसको ऑन करने के बाद किसी भी एप्स को आप पिन कर सकते हो और रिमूव नहीं कर पाएगा फिर उसको कोई भी। तो उसको आप सेटिंग करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, सिस्टम सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। एंड आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखने को मिल जाएगा ऐप पिनिंग। तो यहाँ पे ऐप पिनिंग पे आप क्लिक करेंगे और इस फोन में आपके 3 बटन नेविगेशन होना चाहिए तभी इस फोन में आप ऐप पिनिंग का यूज कर पाएंगे। अगर जैसे नेविगेशन सेट है तो आप नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए आप यहाँ पे आके पहले बटन को सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ से जब आप वापस जाएंगे तो ऐप पिनिंग को आप ऑन कर लीजिए। अब जैसे कि आपका फ्रेंड वगैरह कभी भी मांगता है आपका फोन कि भाई मुझे कॉल करना है फोन देना, तो उसको फोन दे सकते हैं विदाउट आप झिझक। तो आप क्या करना है, पहले किसी एक ऐप्स को ओपन कर लीजिए, उसके बाद इस रीसेंट बटन को प्रेस करना है और यहाँ जाना है और आपको पिनिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको पिन कर देना है। अब यहाँ से वो वापस नहीं जा सकता, वापस जाएगा तो फोन का स्क्रीन अनलॉक करना पड़ेगा तभी जा सकता है। इसके अलावा फोन में कहीं भी उस किसी चीज का आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसको हटाने के लिए दोनों बटन को प्रेस करके रखना होगा और आपकी स्क्रीन फिर आप इसको अनलॉक करके इसका यूज कर पाओगे। तो ऐप पिनिंग का फीचर इस तरह से आपको काम आ जाता है। तो फ्रेंड्स इन फीचर का यूज करके इस फोन को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं जो कि वीडियो में आज आपको बता चुका हूं। आशा करता हूं इन फीचर्स के बारे में आपको जानकर काफी अच्छा लगा होगा, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।